लोग तृप्ति चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को जीवन भर प्रयास करने के बाद पता चलता है कि जो चीजें वे पाना चाहते हैं वे तृप्ति नहीं दे रही हैं और दे भी नहीं सकती। ऐसी स्थिति में जाना जहां आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकें, इसका मतलब है ये आपको जो आप चाहें वो करने की आजादी दे रहा है। क्योंकि एक परमेश्वर नहीं होता तो कोई अवतार भी नहीं होता। अवतार का मतलब है रिपीट परफॉर्मेंस। इंसान की तृप्ति पाने की इसी इच्छा के लिए बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं। दुनिया में अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं, चाहे कोई मंदिर जा रहा हो या बार में ईश्वर को खोज रहा हो या शराब को या ड्रग को, कोई शांति खोज रहा हो या युद्ध, कोई दुनिया की छोटी मोटी चीजें खोजता है, कोई स्वर्ग जाना चाहता है। मुख्य रूप से तलाश एक ही है, पीपल वॉन्ट फुलफिलमेंट, लोग तृप्ति चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को जीवन भर प्रयास करने के बाद पता चलता है कि जो चीजें वे पाना चाहते हैं वे तृप्ति नहीं दे रही हैं और दे भी नहीं सकती। सम्य मां खुद को तृप्त करने की कोशिश नहीं है, लेकिन उन चीजों को हटाना जो आपके अंदर अतृप्त स्थिति बनाती है, आपके भीतर एक प्रक्रिया अभी आपके हाथों में है। आप इस प्रक्रिया को कहां ले जाएंगे ये आपके हाथों में है, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली और जीवंत प्रक्रिया है, बहुत शक्तिशाली और जीवंत प्रक्रिया, कि अगर आप खुद को इसके प्रति समर्पित करते हैं तो ये ऐसी चीजें करेगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। आध्यात्मिक प्रक्रिया की नाजुकता के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो आपके आध्यात्मिक प्रक्रिया को कहीं ज्यादा चुनौतियां मिलती हैं यहां आश्रम में किसी और शहर की तुलना में। इसे चुनौतियां मिलती हैं और मदद भी मिलती है, यह महत्वपूर्ण है। आप बस चुनौतियां दें तो लोग हार मानने लगेंगे। इसे लगातार चुनौतियां मिलनी चाहिए और इसे मदद और पोषण भी मिलना चाहिए, दोनों जरूरी हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ पोषण भी जरूरी है और कुछ चुनौतियां भी जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। कोई चुनौती ना हो बस पोषण हो तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। सिर्फ चुनौती हो और पोषण ना हो तो आप टूट सकते हैं। एक संतुलन होता है। क्या कोई सटीक संतुलन है? कोई सटीक संतुलन नहीं होता, हर कोई किसी तरह संतुलन बनाता है। तो जहां आप सबसे ज्यादा असुविधा महसूस करें आप वहीं रहिए तो आपके लिए अच्छा होगा।
अगर आप जल्दी विकास करना चाहते हैं तो। अगर आप धीरे विकास करना चाहते हैं तो वहां रहिए जहां सबसे ज्यादा सुविधा हो। इसमें बहुत सारी मेहनत लगी है कि हर परिस्थिति को कुछ ऐसा बनाया जाए कि पोषण हो और चुनौती भी हो, पोषण हो और चुनौती भी। ईशा के एक अंग होने से ईशा बन जाना मतलब आप जहां भी जाएं ये एक सा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़े। आप बाजार के बीच में हो तब भी आप ऐसे ही हो, आप किसी भी चीज में भागीदारी ले पाएं लेकिन हर चीज से अछूते रहें। तो ये आपके लिए एक सरल टेस्ट है। अगर आपको किसी भी चीज की कमी महसूस हो, सिर्फ लोगों की नहीं, किसी भी चीज की, फिलहाल जिस भी चीज की हमें आदत है, भोजन, आराम, ये और वो, हम उसका पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं होता तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। जब आपके पास वो नहीं है और तब भी आप उसी स्थिति में हैं जब आपके पास सब था, तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब आप नर्सरी से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाना जहां आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, इसका मतलब है ये आपको आप जो चाहें वो करने की आजादी दे रहा है। आप जो चाहें चुन सकते हैं और कर सकते हैं। आपसे किसने कहा ईश्वर के अवतार होते हैं? नहीं, आपको यह समझना चाहिए। देखिए, एक परमेश्वर का विचार सिर्फ तीन ब्राह्मी धर्मों से आता है कि कहीं एक ईश्वर है, एक सत्ता है। यह विचार और कहीं नहीं है। इस संस्कृति में यह बिल्कुल नहीं है। वे प्राणी जो उस स्तर से ज्यादा विकसित हैं जिसे हम सामान्य इंसानी स्तर मानते हैं, उन्हें हमने देव कहा, मतलब ये भगवान जैसे हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैंने यह बताया है कि लोग तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सभी आपके पैरों में गिरना चाहते हैं क्योंकि जब वे किसी को देखते हैं जो उनसे ज्यादा विकसित हैं, जिसे वे सामान्य मानते हैं, जिसे वे सामान्य मानते हैं, तो वे कहते हैं इस इंसान में ईश्वर जैसे गुण हैं, उससे कुछ ज्यादा जो हमारे पास है। एक परमेश्वर जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक परमेश्वर नहीं होता तो कोई अवतरण भी नहीं होता। अवतार मतलब है रिपीट परफॉर्मेंस। हां, अवतार मतलब है वे फिर से आए हैं किसी रूप में, लेकिन मतलब यह नहीं है कि जो एक परमेश्वर है वे आए हैं। अगर किसी में कुछ विशेष गुण है तो लोग कहेंगे वे शिव के अवतार हैं। आपको यह समझना चाहिए, इस संस्कृति में, उदाहरण के लिए वे रमण महर्षि के बारे में बात कर रहे थे। People used to refer to him as भगवान। लोग उन्हें भगवान कहा करते थे। भगवान शब्द का सामान्य रूप से, साहित्यिक रूप से मतलब होता है ईश्वर की तरह।
कोई संस्कृत जानता है? मुझे बताइए, भगवान क्या होता है? ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एक भाग्यशाली प्राणी, उनका मतलब ये है, ठीक है। लेकिन आम तौर पर इन शब्दों से ईश्वर के बारे में बताया जाता है। तमिल में क्या है? ओह, ये अच्छा है। मैं कुछ और समझता था। अगर ये मतलब है तो शानदार है कि वे ईश्वर के लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका अर्थ है वो जो भीतर ही है। डिक्शनरी में दिया है वो जिसने खुद पर या सृष्टि पर विजय पा ली है। अगर डिक्शनरी में दिया गया है तो ये अद्भुत है और बहुत ही शानदार अर्थ है। वे हमेशा ईश्वर के बारे में इस तरह बताते हैं, वे जो खुद से परे चले गए हैं। शानदार है। तो इस प्रकार के शब्द यहां मौजूद हैं। कोई एक परमेश्वर नहीं है इन भाषाओं में या इस संस्कृति में। तो जब आपने ये प्रश्न पूछा है कि ईश्वर के अवतार यहां कैसे आए, वे यहां आए नहीं, वे यहीं थे और खुद से परे चले गए और वे कड़वुल बन गए।